हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं एंट्रेंस वाले, वो अलॉट कर दिए हैं। वो आपको चेकआउट कैसे करना है आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुए हैं, वो कल या परसों में जब भी रिलीज़ होंगे आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा, डाउनलोड उन्हें भी कर सकते हो। आज हम ये चेक करने वाले हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर पीजी वालों का, जो अभी 17 तारीख से एंट्रेंस होने वाले हैं, वो कहाँ पढ़ने वाला है। तो उसकी एंट्रेंस सिटी जो आपकी होने वाली है, एग्ज़ाम सिटी, वो अलॉट कर दिए, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आपको इस वेबसाइट पे आना है, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ntexam2022.cb/text-exam, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें डालनी है, दो चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दो चीज़ें फिल करनी है, पहला होता है आपका एप्लीकेशन नंबर और दूसरा डेट ऑफ बर्थ। तो एप्लीकेशन नंबर कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन नंबर आपका पीजी का जो एंट्रेंस फॉर्म होता है ना, जो आपने भरा था फॉर्म पूरा का पूरा, रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो। तो ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का आपका आया होगा, जहाँ पर आपने भरा होगा उसकी पीडीएफ सेव करी होगी, और ये जो नंबर है इस नंबर को बोलते हैं एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। और यही नंबर आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर में, जो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फिल करनी है। पहला फिल करना होता है एप्लीकेशन नंबर, जो मैंने फिल कर दिया। नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है। देखो, डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से समझ लेना। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको डालना है ईयर, ठीक है। पहले साल डालते हैं, फिर डालते हैं मंथ, और फिर डालनी है डेट, जो भी आपकी डेट है। डेट ऑफ बर्थ में कोई स्लैश या कोमा बीच में नहीं डालना है एक भी। जैसे कि मान लो मेरी 2003 है, तो सबसे पहले साल डालोगे, साल डाला मैंने 2003, ठीक है। उसके बाद मंथ, मंथ डालना है, मान लो मेरा चौथा मंथ है तो 04 डालना है। कभी भी सिंगल डिजिट नहीं डालनी, अगर 5, 6, 7, 8 ऐसे आपका 9 या डेट या मंथ है तो आपको 0 जरूर लगाना उसके आगे, ठीक है। उसके बाद आपको डेट डालनी है, डेट है मेरी 11, मैंने 11 डाल दिया। अब आपको इस फॉर्मेट में डेट डालनी है, इसमें कहीं भी आपको स्लैश या बीच में ऐसे कोई कोमा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नीचे आपको एग्जांपल में भी लिख रखा है 16 जून 2001 है, तो आपको इस तरह से डालना है 2001, 06 और 16, जैसे मैंने डाली है ऊपर, ठीक है। इसी तरह से डालना है, यहाँ पे डेट फिल कर देना, और नीचे आपको लॉगिन करना है सीधा डायरेक्ट। अब जैसे ही आप उस पर लॉगिन कर लोगे, आपके आगे कुछ इस तरह की पीडीएफ डाउनलोड होगी, जो कि आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा। नीचे आपको एग्जाम सिटी दिखा रहा हूँ, बस एग्जाम सिटी कहाँ पे है। देखो, एग्जाम सिटी एरी, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो अलॉट किया गया, तो वो चीज़ है आपको देखनी है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, इंक्लूड्स कौन कौन सी जगह है दिल्ली में, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और सैदाबाद, ठीक है। तो ये 6 सिटी है मेरे को अलॉट करिए जैसे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो पीजी के 95% एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्हीं सिटी में होने वाले हैं, इसके चांसेस कंफर्म है। 5% हो सकता है इसके अलावा कोई हो, वरना दिल्ली में ये पक्का कंफर्म है। टाइमिंग एग्ज़ाम की देखो, दे रखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 तारीख को मेरा एग्ज़ाम होगा, और टाइमिंग क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है 5 बजे से शाम को 7 बजे, ये मेरी एग्ज़ाम की टाइमिंग है। और जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में होगा, वो आपको पता ही है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, कल या परसों। मैं आपको जैसे ही आएगा उसकी वीडियो भी बना के बता दूंगा, डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा आपकी एंट्रेंस सिटी डाउनलोड कैसे करनी है, आपको देखना कैसे है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी फॉलो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।